हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू, आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार इन कंटिन्यूशन विद द कोर नंबर्स इन न्यूमरोलॉजी। जो 10 पिलर्स मैंने बताया उस वीडियो का आपने नहीं देखा है तो आज ही देखो, उसी से रिलेटेड ये बताते जा रहा हूँ मैं। ये पिलर नंबर 4 है कार्मिक लेसन नंबर। पिलर नंबर 1 नेम न्यूमरोलॉजी, जो कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम के ऊपर होता है, लास्ट नेम के ऊपर होता है। दूसरा फिर पर्सनैलिटी नंबर होता है ना। तीसरा में फिर हार्ट और सोल डिजायर नंबर होता है। चौथा है कार्मिक लेसन नंबर। कार्मिक लेसन नंबर का मतलब होता है एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो नंबर मिसिंग है आपके नाम में उस नंबर को कैसे इम्प्रूव किया जाए। चाहे वो नंबर 1 to 9 में कुछ भी मिसिंग हो सकता है, उस आपके नाम नेम में एक नंबर ही मिसिंग हो या 4 नंबर मिसिंग हो, किसी किसी के नाम में तो 5-5 नंबर मिसिंग होता है ना। लेकिन जनरली 2 से 3 या मैक्सिमम 4 नंबर मिसिंग होना चाहिए, कभी कभी 5 नंबर भी होता है ना। तो वो देखना है कि वो नंबर जो मिसिंग हो गया उस नंबर को कैसे इम्प्रूव किया जाए अपने जीवन में, सो दैट आपका लाइफ को और अच्छा बनाया जाए। उसका बना नंबर को इम्प्रूव करने का तरीका होता है, इसलिए उसको कहा जाता है कार्मिक लेसन नंबर। मतलब एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, जिस पर फोकस करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। चलिए मैं अपना ही बताता हूँ मेरे अंदर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है, जिस पर मैं रोज़ वर्कआउट करता हूँ, रोज़ उसको स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता हूँ और स्ट्रांग बनते जा रहा है और मैं तरक्की करता जा रहा हूँ, मैं अच्छा करता जा रहा हूँ। देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट, है ना। तो सबसे पहले इसको मैं स्टार्ट करूँ, मैं फिर से बता दूँ कि कोर नंबर इन न्यूमरोलॉजी वो वीडियो, अपने नाम को लकी कैसे बनाएं, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसे मैंने आचार्य जी का बताया, आचार्य जी का नाम मैंने खुद करेक्ट किया है। उसके बाद लकी गॉड ऑफ बॉलीवुड, लकी गॉड ऑफ क्रिकेट, लकी गॉड ऑफ पॉलिटिक्स, लकी गॉड ऑफ बिजनेस, वो भी वीडियो जरूर देखिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको नेम न्यूमरोलॉजी कराने की क्यों ज़रूरत है, मैंने पहले बता दिया, सब वीडियो में बताते जा रहा हूँ कि अगर आपको ये लगे कि आपके जीवन में आप सब क्वालिफाइड हो, है ना, सारा हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, उसके बाद भी कोई भी चीज़ चॉइस से नहीं मिल रहा है, बार बार बाधा आ रहा है, कभी घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना हो रहा है, इस तरह की स्थिति हो रही है, हाथ में आया हुआ चीज छिन जाता है, बैंक बैलेंस नहीं बन रहा है, प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा है, बन रहा है, दुनिया भर का लोन कर्जा हो गया है, विदेश जाने की कोशिश करो 10 साल से कुछ नहीं हो रहा है, बिजनेस 15 बिजनेस चेंज कर सको, सब फ्लॉप हो चुका है। आज ही नेम न्यूमरोलॉजी कराने की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, देखो 3 टाइप का मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, कंप्लीट नेम न्यूमरोलॉजी एनालिसिस कराओ और अपने जीवन को सुख में बनाओ, क्योंकि एक बार का इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, राधे कृष्ण की कृपा से। अब मुझसे क्यों कराओगे, तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि मैं YouTube पे पहला ऐसा न्यूमरोलॉजिस्ट बन गया हूँ जिसका 62 प्रिडिक्शन ऑनलाइन 7 मंथ्स के अंदर सही हो चुका है 100%। मैं 20% एरर वाला भी नहीं लेता, जिसमें कोई मैच कोई हार जाती है वो वाला मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो 20% एरर है, गलत नहीं है, क्योंकि तो उसमें 4 चीज़ मैं बोलता हूँ, उसमें 3 चीज़ सही होती है ना, खाली कंक्लूजन गलत हो जाए कि वो हार जाता है बस। तो उसमें जनरल, क्रिकेट, बिजनेस, पॉलिटिकल, बॉलीवुड, है ना, हॉलीवुड, अगर अभी भी बनना चाहते हो, बॉलीवुड हॉलीवुड जाना चाहते हो, आज ही अपना नेम को चेंज करो, अपना जीवन को सुधारो और जबरदस्त रॉकेट की तरह आगे बढ़ो जीवन में। इसके साथ साथ पैसा भी कमाना चाहते हो तो न्यूमरोलॉजी कोर्स सीख लो, जो कि मैं स्टार्ट कर चुका हूँ 16 जनवरी से जल्द एंट्री लो, एडमिशन लो, है ना। इसमें मिनिमम 60,000 से लेकर 5 से 15 लाख रुपये 5 से 10 साल के अंदर कमाना शुरू कर दोगे, मतलब लाखपति करोड़पति बन जाओगे। न्यूमरोलॉजी कोर्स सीखे, माध्यम मैं रहूँगा, बनाने वाले राधे कृष्ण रहेंगे, उनकी कृपा से आज सब कुछ मेरा इतना प्रोडिक्शन सही हो रहा है। इसलिए मैंने साबित कर दिया है कि आप 24 साल में 50,000 लोगों को जो भी मैंने नेम प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन करके दिया वो सब सही है, कहीं भी गलत नहीं है, है ना, उनकी कृपा से। इसलिए आज भी देर नहीं हुई है, चलिए बताता हूँ हाउ टू कैलकुलेट कार्मिक लेसन नंबर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है मिसिंग नंबर इन योर नेम, जो भी नंबर्स मिसिंग है उसको कार्मिक लेसन नंबर उसी हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, उसी को बोलते हैं एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो नंबर मिसिंग है उसको अपने जीवन में कैसे लाओगे, कैसे उसको इम्प्रूव करोगे, आप उसको कैसे आगे बढ़ाओगे, उसको स्ट्रांग कैसे बनाओगे, बलवान कैसे बनाओगे, वो आपको पता चलेगा आज, जो कि मैं न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट में, जब फुल न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट प्राप्त तब उसमें बताता हूँ, नहीं तो सिंपल न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट में इतना बता देता हूँ मैं कि ये नंबर मिसिंग है, इसका ये उपाय है, इसको करना है ना। चलिए बताते हैं, अनंत कुमार जैसे मेरा नाम है तो नाम पर नंबर लिख लेते हैं, कैलेंडर सिस्टम के हिसाब से ए का वैल्यू 1 है, एन का 5 है, ए का फिर से 1 हो गया, एन का 5, टी का 4 हो गया, के का 2 हो गया, यू का 6 हो गया, एम का 4 हो गया, ए का 1 हो गया, आर का 2 हो गया, आर का 2 हो गया। कैलेंडर सिस्टम का वो चार्ट लेकर रख लीजिएगा, उसके बेस पे फटाफट हम लोग को चूँकि याद हो चुका है, इतने सालों से कर रहे हैं, हमने फटाफट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे नंबर्स प्रेजेंट, कौन कौन सा नंबर प्रेजेंट है मेरे नाम में, 1 है तो 1 हमने लिखा, देखिए यहाँ पे 2 है तो हमने 2 लिखा, 3 नहीं है तो 3 मिसिंग नंबर्स में चला के, ये मिसिंग, ये प्रेजेंट, 3 मिसिंग है मेरा। अब देखिए यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हम 4 लिख लिए, कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, 1 2 3 4 करके तब याद रह जाएगा, कटाकट
फाइव है बिल्कुल है, 1 2 4 5 है, 6 भी है, देखिए 6 भी है। अब उसके बाद क्या, कोई नंबर नहीं मेरे पास, मतलब 3 के बाद 7 8 9 9 तक ही नंबर होता है। तो मेरे पास 5 नंबर है और ये 4 नंबर मिसिंग है, इसका मतलब कार्मिक लेसन नंबर में 3 नंबर मिसिंग है मेरा, 7 8 9। ये सारे नंबर को मुझे अपने जीवन में इम्प्रूव करना है, फोकस करना है, उसको मजबूत बनाना है, बलवान बनाना है, सो दैट कि मेरा आने वाला जीवन सुखमय हो, सुख शांति समृद्धि वाला हो, जिसमें मैं काम आज से नहीं कीमत बहुत पहले से जानता हूँ, तो इसलिए उस पर काम करते करते इसको मैं मजबूत बना भी चुका हूँ, है ना। आप लोगों को चूंकि जब न्यूमरोलॉजी कराने आओगे उस टाइम पर पता चलेगा, तो नेचुरली बनते बनते थोड़ा समय तो लगेगा ही लगेगा बाबू, है ना। जब नेम न्यूमरोलॉजी जब करते हैं हम ना, 24 दिन मिनिमम, 1 साल मैक्सिमम समय लगता है नेम फलित होने में, तो नेचुरली इन सब नंबर को फलित होने में समय तो लगेगा ही लगेगा, ताकि जब नेम इतना लेट आओगे तो नेचुरल लगेगा लगेगा। लेकिन वही अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, अगर बेबी नेम न्यूमरोलॉजी कराते हो और बच्चा 1 महीने का उसी वक्त मैंने कर दिया और आपके मम्मी पापा को, है ना, पेरेंट्स को का बता दिया कि ये नंबर मिसिंग है, अगर कंप्लीट फुल न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट लेते हो तो बता दूंगा ये नंबर मिसिंग है, इस नंबर का उपाय करो, बस हो गया। उसी वक्त से उपाय करना शुरू करोगे, बच्चा 5 साल का होगा उसी वक्त से बल्ले बल्ले बच्चे की हो जाएगी, एकदम बच्चा एकदम खूब पढ़ने लिखने मन लगेगा, प्रतिभाशाली बच्चा निकले, खेल कूद से लेके पढ़ने लिखने से लेके गाना डांसिंग म्यूजिक जिस चीज़ में इंटरेस्ट लगाएगा उसी चीज़ में लगाएगा, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट फोकस, है ना। जब एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट वाली बात होती है तो फोकस करके उसको उस चीज़ को अच्छा करना है। इसके अंदर जो जो चीज़ आता है उपाय वो सब मैं बताता हूँ, जब आप कंप्लीट न्यूमरोलॉजी करते हो, ये नंबर मिसिंग है, इसको इस तरह से निकालने का तरीका है। अपना भी निकाल तो लोगे यूट्यूब वीडियो देख के, मेरा वीडियो देख के निकाल तो लोगे, लेकिन इसके बाद इसका पता तो नहीं है कि कैसे करोगे, है ना। इसलिए ये सब बताने के लिए नेम न्यूमरोलॉजी का किया जाता है, इसलिए वो मैं बार बार कह रहा हूँ, आज भी देरी नहीं हुई है, कैंसर की तरफ थर्ड स्टेज में नहीं आना। जैसे कैंसर का थर्ड स्टेज का रोगी आता है ना, कोई माइकल लाल डॉक्टर दुनिया का नहीं बचा सकता, उसी तरह से फिर हम भी नहीं बचा पाएंगे एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट लॉजर। हम लोग एक डॉक्टर की तरह हैं, पेशेंट को बीमारी देख के जहाँ जरूरत होती है इंजेक्शन के इंजेक्शन देते हैं, जहाँ जरूरत होती है टैबलेट टैबलेट, जहाँ जरूरत होती है सिरप का सिरप। कैंसर का थर्ड स्टेज का कोई इलाज नहीं होता, इस बात को हम कभी नहीं भूलना है। और न्यूमरोलॉजिस्ट का जो मुझसे क्यों कारण वो बता चुका हूँ, मैं यूट्यूब पर न्यूमरोलॉजी अभी पहला न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ जिसका 62 प्रेडिक्शन करेक्ट परमोटेशन कॉम्बिनेशन हो चुका है 24 ईयर्स में 50,000 लोगों के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। फीडबैक का मतलब था कॉम्प्लीमेंट एंड कमेंट, जिस भी रूप में देना चाहो तो वेलकम है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस साल 500 से ऊपर वीडियो आएगा, जनरल प्रेडिक्शन, क्रिकेट, बिजनेस, पॉलिटिकल और सेवरल अदर प्रेडिक्शन। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगनिंग।